हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जेब्रोनिक्स म्यूजिक बॉम्ब एक्स ब्लूटूथ स्पीकर की अनबॉक्सिंग, रिव्यू एंड साउंड टेस्ट। दोस्तों इस मॉडल को भी हमने खुद परचेज करा है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। सो आज की वीडियो में दोस्तों आपको क्लियर पता लग जाएगा कि यार ये ब्लूटूथ स्पीकर बेस्ट है या नहीं है। वैसे दोस्तों ये जो मॉडल है बहुत ही सही प्राइस पर हमें देखने को मिल रहा है, केवल 2000 रुपीज में ये मॉडल हमें देखने को मिलता है। अगर आपको इसे परचेज करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस मॉडल का बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, जाकर आप परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्पीकर को अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों बॉक्स हमने ओपन कर लिया है। सबसे पहले हमें QR कोड वाला यूजर मैनुअल मिल जाता है, साथ में दोस्तों हमें टाइप सी केबल मिल जाती है स्पीकर को चार्ज करने के लिए, एंड हमें ऑक्स केबल भी मिल जाती है। साथ में दोस्तों हमें कैरी स्ट्रैप भी मिल जाता है, इसे स्पीकर पे लगाना पड़ेगा। दिखा देते हैं हम आपको कैसे लगाना है। दोस्तों स्पीकर के देखिए टॉप साइड पर हमें स्ट्रैप को कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। मैं कनेक्ट करता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, इन्हें हमने कनेक्ट करना है। ये देखिए स्पीकर कनेक्ट हो गया है स्ट्रैप के साथ, और सही है यार, मतलब गिरेगा नहीं इतनी इजीली ये। साथ में ऐसे आप गले में डाल के भी तबला बजा सकते हैं। इसके दो जो पैसिव बेस रेडिएटर मिलते हैं ना, मजाक कर रहा हूँ। ओवरऑल मतलब अच्छी है क्वालिटी स्ट्रैप की। तो दोस्तों देखिए यार स्पीकर का जो डिज़ाइन है क्या बढ़िया हमें देखने को मिल रहा है, मतलब क्वालिटी पर काम करा गया है। क्वालिटी स्पीकर की काफ़ी बढ़िया लग रही है, साथ में वेटेड भी है दोस्तों 1.1 केजी का है। सामने की तरफ से हमें 10-10 वॉट के 2 ड्राइवर्स मिल जाते हैं, सो इसका जो टोटल पावर आउटपुट है 20 वॉट्स का है। एंड ड्राइवर का साइज भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 5.7 सेंटीमीटर का है। सामने की तरफ से दोस्तों हमें लाइट इफेक्ट भी मिलता है, सो सबसे पहले से ऑन ही कर लेते हैं। Zebronics for life, Bluetooth mode. ये देखिए गाइज सामने की तरफ से जो लाइट इफेक्ट है क्या कमाल का हमें देखने को मिलता है। एंड लाइट पैटर्न को ना गाइज हम चेंज भी कर सकते हैं। सर थोड़ा सा पास से दिखा दीजिए, ये देखिए अगर हम इसके लाइट वाले बटन को दोस्तों लॉन्ग प्रेस करेंगे तो लाइट्स ऑफ भी हो जाएगी। तो देखिए लाइट हमारी ऑफ भी हो जाएगी, अगर आपको बैटरी बचानी है तो आप लाइट को ऑफ भी कर सकते हैं। टॉप पर देखिए हमें बटन्स मिल जाते हैं, प्लस माइनस के बटन मिलते हैं दोस्तों, इन्हीं से प्रीवियस नेक्स्ट भी हम कर पाएंगे। लाइट का तो मैंने बता ही दिया आपको, लाइट पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, लॉन्ग प्रेस पे हम लाइट को ऑफ भी कर सकते हैं। TWS का बटन मिल जाता है, पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिलता है दोस्तों, इसी से प्ले पॉज भी हो जाएगा, अगर हम सिंगल टैप करेंगे तो पॉज हो जाएगा। यहाँ पे से दोस्तों हम इसके मोड को भी चेंज कर सकते हैं, इस पर ना हमें FM मोड भी मिलता है। FM mode. ब्लूटूथ की तो कनेक्टिविटी मिल ही रही है, साथ में FM मोड भी मिल जाता है, थोड़ी कनेक्टिविटी और मिलती है, दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे मैंने बताई दिया आपको स्ट्रैप मिल जाता है कैरी करने के लिए स्पीकर को। अब हम आपको स्पीकर के बैक साइड को डिटेल में दिखा देते हैं। इस साइड पर जो हमें टेक्सचर दे रखा है स्पीकर पे काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। एंड पीछे ही दोस्तों हमारे सारे पोर्ट्स हैं, देखिए इस पर हमें ऑक्स, SD कार्ड, USB, ये कनेक्टिविटी और देखने को मिल जाती है, मतलब कि ब्लूटूथ FM तो मिल ही रहा है, साथ में हमें ऑक्स, USB, SD कार्ड, इस सब की कनेक्टिविटी मिल जाती है। बाकी स्पीकर को हम चार्ज टाइप सी पोर्ट से कर पाएंगे, तो ये चीज़ भी मुझे बढ़िया लगी है। बाकी नीचे से देखिए हमें रबर पैड भी लगा हुआ मिल जाता है, अगर आपको इसे टेबल पर रखना है तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये प्लेस हो जाएगा। दोस्तों साइड से हमें पैसिव बेस रेडिएटर मिल जाता है दोनों साइड से। एंड यार दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें LED इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। आजकल के ब्लूटूथ स्पीकर में मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ ना, हम अपने फ़ोन पे ही बैटरी परसेंट चेक कर सकते हैं जब ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं। सो इसे भी ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं एंड मैं दिखाता हूँ आपको। म्यूजिक बॉम एक्स प्रो इज नाउ कनेक्टेड, देखिए ये कनेक्ट भी हो गया है। एंड नीचे से देखिए बैटरी परसेंट भी शो हो रही है, 70% की इस पर बैटरी हमें अभी मिल रही है। चलिए दोस्तों अब हम आपको इसका साउंड टेस्ट कराते हैं एंड देखते हैं कि यार ऑडियो क्वालिटी कितनी बढ़िया मिलती है। डिज़ाइन तो अच्छा है, अब ऑडियो क्वालिटी भी मेन है, वो भी टेस्ट करते हैं। Oh,
पांच बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी गड्डियां ऊंचियां रखियां नारा वो जट दे पीछे आ पर तू अब है जो है वो समा है मेरे सगी तो रब है तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस मॉडल का ऑडियो बताएगा मुझे कमेंट करके। मेरे को दोस्तों यार ऑडियो क्वालिटी बढ़िया लगी है, मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से हम देखें तो बेस क्वालिटी भी इस पर फील हो रही है, साथ में दोस्तों ये लाउड भी है, क्लियरिटी भी दोस्तों बढ़िया लग रही है हमें। बाकी यार बिल्ड क्वालिटी अच्छी है स्पीकर की, फिट एंड फिनिश बढ़िया है, लाइट इफेक्ट देखिए काफ़ी कमाल का हमें देखने को मिल जाता है, प्राइस पॉइंट सही है। सो परचेज करना होगा डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा आपको, परचेज कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप की। वैसे कंपनी जो क्लेम कर रही है ना 22 आवर्स का, यानी 22 घंटे का, यार 22 घंटे का अब हमें तो नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा होगा। अब इसे टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपको एग्जैक्ट में बता पाएंगे कि यार कितना ज़्यादा इस पर बैटरी बैकअप हमें मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यार हमने अभी इसे इतना नहीं सुना है कि इसकी बैटरी पूरी ड्रॉप हो गई है, बट हाँ ये है कि जितना हमने सुना है उस हिसाब से बैटरी इसकी बढ़िया चल रही है। साथ में जो इसकी चार्जिंग टाइम है दोस्तों वो 5 आवर्स की है, 5 घंटे में ये स्पीकर चार्ज हो जाएगा। मतलब ये स्पीकर उस जगह के लिए बढ़िया है ना, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसे फुल चार्ज करिए एंड लेकर जाइए अपने साथ। लाइट इफेक्ट भी अच्छा मिलता है, साथ में म्यूज़िक भी अच्छा है, बैटरी बैकअप भी बढ़िया मिल रहा है। क्योंकि ब्लूटूथ स्पीकर में मैं आपसे हर बार बोलता हूँ कि यार साउंड क्वालिटी के साथ साथ बैटरी भी अच्छी चलनी चाहिए, तभी हमें बढ़िया मज़ा मिलता है, पोर्टेबिलिटी का जो मज़ा मिलता है तभी मिलता है जब बैटरी अच्छी चले स्पीकर की। तो इस स्पीकर पर दोस्तों यार ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस लगा मुझे। अगर आपका 2000 तक का बजट है तो डेफिनेटली आप इस स्पीकर को परचेस कर सकते हैं, ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको इसका हिंदी पे साउंड टेस्ट देखना होगा तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ यार ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिए, अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।